चनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और आज एक खास दिन है मेरे लिए क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में हमारे शो पे आए हैं एक खास मेहमान। और कहते हैं ना कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों का हाथ होता है जो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर पेरेंट्स के बाद किसी की लाइफ में होता है वो एक उस्ताद का होता है। और आज मेरी खुशकिस्मती ये है कि आज हमारे शो दिल की बात साहिल के साथ पे मेरे उस्ताद मोहतरम आए हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, प्रेजेंटली एक टीचर रहे हैं, अभी एक अपना इनका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं और जिस भी तरीके से बन पाता है अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं आज अपने शो पे वेलकम करता हूं अपने टीचर मिस्टर मोहम्मद मुजफ्फर का। सर आपका तहे दिल से हम रेडियो चैनल पर वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं अपनी आपको खुशकिस्मत समझता हूं कि आज मुझे मौका मिला कि अपने उस्ताद के साथ में बात करूं। मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूंगा, बस अपने दिल की बात ही हम करेंगे और खुशकिस्मती ये है कि आज आपने हमारी दावत कबूल की और हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ आवर हो गए। थैंक यू। तो सर आपसे यही मैं जानना चाहूँगा कि आप एजुकेशन के फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, यू आर ए सोशल एक्टिविस्ट और पैरेलली आप स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन का जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है आप इसको कैसे समझते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट कि ये कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन साइड बाई साइड। देखिए साहिल साहब, एजुकेशन के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बगैर एजुकेशन इनकम्प्लीट है। जी बिल्कुल इनकम्प्लीट है। एजुकेशन अपनी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है और सपोर्ट्स की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, बिल्कुल। मगर जब ये दो चीज़ मिल जाएं तो इनकलाब बरपा होता है क्योंकि इसमें बच्चे की मेंटल एबिलिटी चक हो रही है, जितना फास्ट इसका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है। जो मैंने सपोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया जी वो मार्शल आर्ट है। जी मार्शल आर्ट में बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और मार्शल आर्ट में सेल्फ डिफेंस मिलता है बच्चे को। तो इसके साथ एजुकेशन के साथ जब मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने 2014 से मेरा स्कूल अपना स्कूल चल रहा है, तो फिर 2017 से मैंने मार्शल आर्ट इंट्रोड्यूस किया। जी जी। तो जब से मैंने मार्शल आर्ट इंट्रोड्यूस किया माशाल्लाह, तब से आज तक मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो नेशनल तक पहुंच गए। और रिसेंटली मैं कहूं कि मेरा एक बच्चा कल केरला जा रहा है नेशनल बॉडी सेलेक्शन के लिए और दूसरा बच्चा भी मैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपनी एकेडमी का बच्चा है, दूसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है। दो बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट से तीन जाते हैं, एक टंगमर का, दूसरा बारामूला का, तीसरा सीलू का, नेशनल के लिए जा रहे हैं। जी तो ये जो सपोर्ट्स प्रमोशन हो रही है, जो बच्चा अब चूँकि सपोर्ट्स पॉलिसी अब चेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट्स पॉलिसी चेंज की है, जो बच्चा नेशनल तक जाएगा उसको अलग से एक स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो इंटरनेशनल तक जाएगा उसको अलग से स्कॉलरशिप मिल जाएगी प्लस उसका जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। जी तो अब ये सपोर्ट्स वो सपोर्ट्स नहीं रहा जो हम समझते थे, दिन भर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, खेलते थे, फिर वापस आते, हासिल कुछ नहीं। अब इसमें करियर ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर हम आज की डेट में देखें, यू नो, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी लीग्स होती हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, या हॉकी की बात करें, या डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करें। लीग्स जो होती हैं उनमें एक तो छोटे छोटे जो टाउन्स हैं या गांव हैं वहाँ से जो टैलेंट है उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाता है और उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है, एक जॉब मिलती है और उनका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर होता है। यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुख्तसरन कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपकी डील डायरेक्टली पेरेंट्स से भी है, कितना सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि वो स्पोर्ट्स में आएं और आगे जाएं, क्योंकि पहले ये रुझान नहीं था, अभी चीज़ें चेंज हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले साहिल साहब मैं एक बात कहूँ कि मेरा जो मेन मोटो है वो है एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन फील्ड में बच्चा बहुत आगे जाना चाहिए, एजुकेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हाँ सपोर्ट्स में हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, मेरे स्कूल में मान लीजिए 400 बच्चे हैं, 400 में 100 भी
मार्शल आर्ट खेलते हैं, 300 को मैं रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, जी जी, वहाँ मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ एजुकेशन मेरा मेन मोटो है, और इसके साथ जो मैंने सपोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया वहाँ, और सपोर्ट्स वो किया, शायद लोगों को मालूम होगा नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे गेम्स हैं जो फैक है, फैक मीन्स वो SRO नहीं है, जिनसे बच्चे का फ्यूचर मिल जाए, फ्यूचर बन जाए। तो नीट में अलग पॉइंट्स मिलते हैं, जब उसके SSRB में अगर उसको जाना चाहे तो वहाँ उसको प्रमोशन, ये अलग पॉइंट्स मिलते हैं, बिल्कुल उसका फ्यूचर बनने में सपोर्ट्स बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में किसी भी महाज में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो तो आपको पता है कि क्या, बिल्कुल, यू आर ऑल्सो माई टॉट। मगर आज के दौर में, उस दिन इतना कंपटीशन नहीं था जितना आज है, जी बिल्कुल, आज के पेरेंट्स अगर कॉपरेट नहीं करेंगे एक स्कूल के साथ, एक टीचर के साथ, एक फॉर्म टीचर के साथ अगर कॉपरेट नहीं करेंगे, तो जान लीजिए कि बच्चे को 99% खराब होने के चांसेस हैं। क्यों? इसका एक वजह है, आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, 70% वो चीज़ें वहाँ से निकालेगा जो उसको एजुकेशन रिलेटेड नहीं होंगी। आप बच्चे को बाजार भेजो, 99% वो चीज़ें वो वहाँ ढूंढ रहा है जो उसका एजुकेशन रिलेटेड नहीं है। आप बच्चे को किसी दावत पर भेज दो, 99% एक्टिविटीज़ वो करेंगे जो उसके माहौल से नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, आप बच्चे को ग्राउंड में भेजो, आप 60% 70% एक्टिविटीज वो करेगा जो खेल के साथ नहीं है। बिल्कुल, इसलिए उसके साथ जो हमारी खेल है, हमारा सपोर्ट्स है, उस पर बिल्कुल, एक घंटे का होता है प्रैक्टिस, एक घंटे के दौरान पूरा सुपरविजन इसका उसका इंस्ट्रक्टर करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा है। इसलिए आज के दौर में बच्चे की तरफ पेरेंट्स और टीचर का कोऑपरेशन होना जरूरी है, और बच्चे पर पूरी नजर रखना पेरेंट्स और टीचर की जिम्मेदारी है। पर कहीं ना कहीं, जैसे सर आपने कहा कि जो पेरेंट्स का भी रोल रहता है, और जो आपने अभी कहा कैटेगरीज रहती है और बच्चे आगे जा सकते हैं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि अगर बच्चे को प्रमोट किया जाए तो उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, मैं आज की बात कहूँ, जिन बच्चों को केरला जाना है उनको 50,000 की एयर टिकट मिलती है, कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल रहा है उनको, जी किसी ने कुछ नहीं किया, मगर पेरेंट्स कर रहे हैं, ये बियर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आगे उनका फ्यूचर बनने वाला है। बिल्कुल, और जो बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल फिटनेस है, स्पोर्ट्स में जब बच्चा जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, तो ये सारी चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाती है। आपको पता ही है कि सेल्फ डिफेंस जो हमारा प्रोग्राम है, सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट मिलता है बच्चे को। गवर्नमेंट बाजार गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, हर किसी गवर्नमेंट स्कूल को इसके लिए पैसे आते हैं, ताकि बच्चियों को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे दो। जब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्ची को मिल जाए तो कोई खतरा नहीं, भेज दो कहाँ भेजना है, पढ़ाई के लिए भेज दो कहाँ भेजना है, इसी काम के लिए, क्योंकि उसके पास सेल्फ डिफेंस होता है। जी, और यहाँ पे अगर हम इसको सम अप करें, स्पोर्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी आपको रेडियो चिनार के इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, क्योंकि आपको रिसेंटली अभी एक अवार्ड भी मिला है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सोपोर की तरफ से, जिसमें आप स्पोर्ट्स प्रमोटर के वो एजाज आपको मिला है यहाँ पे, और सोशल एक्टिविज्म के लिए भी आपको अवार्ड मिला है, एंड पैरेलली एज एन एजुकेशनिस्ट भी आपको अवार्ड मिला है। तो आपकी जो मैसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपसे यही मैसेज हम लेना चाहेंगे कि आप बताइए कि जो ये स्पोर्ट्स है, या ये कितना हेल्प करेगा एक बच्चे को आगे ले जाने में, जो अभी भी कतराते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या बच्चे हों, स्पोर्ट्स फील्ड में अभी आना चाहते हैं लेकिन उनके मन में शायद हज़ार सवाल होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर? शायद उनको गवर्नमेंट की जो रिसेंट एजुकेशन सपोर्ट्स पॉलिसी आई है, शायद उनको समझ नहीं आई होगी या उन्होंने सुना नहीं होगा। सबसे पहले जो भी पेरेंट्स बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन करने के लिए भेजते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। बच्चे को फाटक में नहीं भरना है। बिल्कुल, फाटक में डाल देंगे तो कमरा बंद, अंदर से पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे के समझ में जो बाहर का कोई माहौल उसको पता नहीं।
मैं ऐसा कहूँ कि मेरे बच्चे सेकंड प्राइमरी का बच्चा है, वो उस इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ है। और सेकंड प्राइमरी का बच्चा जानते हैं आप, उसकी एज हार्डली 7-8 ईयर्स होती है, तो वो आज इंटरनेशनल के लिए उसकी तैयारी हो रही है। जी, यही वजह है कि बच्चे को डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट तब होगी, मेंटल डेवलपमेंट तब होगी जब उसको हम वो एक्सपोजर देंगे, बिल्कुल वो माहौल देंगे। उसके लिए ज़रूरी है टीचर का होना, उसके लिए ज़रूरी हो पेरेंट का, पेरेंट की कोऑपरेशन होना। जी, अगर हम पेरेंट को ये कहेंगे कि आप हमें कोऑपरेशन दे दो कि हम बच्चे को डेवलपमेंट, इसको मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपकी कोऑपरेशन ज़रूरी है, तो पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि जिस स्कूल में या जिस इदारे में आप बच्चे को भेज रहे हैं, वहाँ ये चीज़ें आपको पहले देखना है कि आपको वहाँ बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसको हेल्थ रिलेटेड बाकी चीज़ें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जो ओवरऑल एक डेवलपमेंट एजुकेशन ऑल अराउंड डेवलपमेंट, एजुकेशन में पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी मैं आपको बताते चलूँ कि हमने पिछली तकरीबन एक मंथ पहले हमने एक रोड शो किया सुकास्ट यूनिवर्सिटी से सेलो तक, सेलो प्ले ग्राउंड तक। इसमें छोटे छोटे बच्चे थे जी, साइकिल उनको, वो साइकिल पर चल रहे थे वो, तो जो भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ रास्ते में, क्योंकि उसमें पुलिस ने बहुत सहयोग किया, SDPO सोपोर का मैं बहुत मशहूर हूँ, और उसके जो ऑफिशल्स वहाँ थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और ADC साहब सोपोर ने, तो मैं ये कहूँ कि जो भी गाड़ियाँ साइड में थी, एक मैसेज गई बिल्कुल कोपाड़ा से श्रीनगर तक, श्रीनगर से जम्मू तक मैसेज। जब रोड शो हुआ, छोटे बच्चे थे तो कह रहे थे ये क्या है, सभी ने, उनके पास बैनर थे, उनके पास प्ले कार्ड थे ड्रग एडिक्शन के खिलाफ, तो एक मैसेज चले गई। जी बिल्कुल, अगर ऐसा माहौल इस छोटे बच्चे को आज से ही मिलेगा तो ये इंशाल्लाह जो हमारा फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जी, मुझे एक बात याद आ गई बीच में, दुख इस बात का नहीं है कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ड्रग के आदि हो गए। दुख इस बात का है जब हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा जी, इसके पेरेंट्स ठीक नहीं होंगे, वो यही पेरेंट्स होंगे जो आज ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही कल पेरेंट्स बनेंगे, तो हमारी सोसाइटी को खतरा है। पेरेंट्स है लेकिन बच्चे खराब हो रहे हैं जी, लेकिन जब ये पेरेंट्स होंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे, आप उस फ्यूचर की तरफ जी। बिल्कुल दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो सर यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और जो इन्होंने सम अप किया उसका हम इनसे यू नो इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुझे तो आज बहुत खुशी हुई कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आप पहली बार रेडियो चिनार में आए, तो आपको आज कैसा लगा वो हमें बता दीजिए। देखिए सर साहब, जब मैं आया तो गेट से ही मुझे ऐसी रिसेप्शन मिली तो जो मुझे शायद लाइफ में याद रहेगा कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे लिए कैसे रिसेप्शन रखी है। तो जब मैं अंदर आया तो यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, काम करने वाले आपके साथी थे जी जी, उन्होंने बहुत अच्छे व्यवहार किया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आए, बहुत अच्छे खातिरदारी की, पानी पिलाए, चाय पिलाए, सब कुछ अच्छा सा किया। तो आप, मैं, मेरा दुआ यही रहेगा कि आप दिन ब दिन तरक्की करते रहो, माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि ये रेडियो चिनार बहुत आगे तक जाएगा, और खुसूसन आपका जो इसमें जो टैलेंट यूटिलाइज हो रहा है, ये हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक कड़ी है, ताकि वो भी देखें कि साहिल सर, आज साहिल जो हमारा यहाँ का एक एसेट है सोपोर का, ये किस तरह से अपना टैलेंट यूटिलाइज कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं फिर एक बार आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और रेडियो चिनार का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन भाइयों का भी, उन दोस्तों का भी जो आपके साथी यहाँ, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से आज यहाँ मतलब रिसेप्शन किया, यहाँ मेरे साथ बैठे बात
बात की तो मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और यकीन मानिए जो 6 फुट का लड़का आपके सामने है इसकी ज़िंदगी को तराशने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई विल बी इंडेबिटेड टू यू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर यू नो टीचिंग मी और मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। और कभी आपने डांट से सिखाया, कभी आपने प्यार से सिखाया, लेकिन आपने जो भी किया मेरे लिए किया, मैं ये ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो दोस्तों, ये ऐसे खूबसूरत लम्हात होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज मेरे गुरु, मेरे उस्ताद मोहतरम आज मेरे शो पे आए थे, तो मुझे लगा कि आज मेरे रेडियो का सफ़र है ना, वो कहीं ना कहीं आज पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोशिश करेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ें जब आप जैसे उस्तादों की दुआएं हमारे साथ रहेंगी। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल प्रेजेंटेशन थी रेडियो चिनार की। टिल द टाइम वी मीट अगेन ऑन दिस शो, दिल की बात साहिल के साथ, लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल्स। कीप लिसनिंग रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।